नर्मदा जिल्लाना नांदोद विधानसभा बैठक उपर भाजपना महिला उम्मीदवार डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुखनो विजय थयो छे। डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख ने कुल 70,543 मत मळ्या छे, ज्यारे तेमना हरीफ उम्मीदवार में कांग्रेसना हरेश वसावा ने 42,341, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रफुल्ल वसावा ने 24,463, बीटीपी उम्मीदवार महेशभाई वसावा ने 1,704, तेमज भाजप साथे बढ़वो करी अपक्ष उम्मीदवारी करनार हर्षदभाई वसावा ने 35,365 मत मळ्या छे। अत्रे उल्लेखनीय छे के भाजपना नांदोद विधानसभाना उम्मीदवार डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख मोटी लीड थी जीत्या छे अने नांदोद विधानसभा बैठक उपर सौ प्रथम महिला उम्मीदवार धारासभ्य तरीके चूंटाया छे, त्यारे भाजपना कार्यकर्ताओं में उमंग अने उत्साह जोवा मळ्यो। 148 नांदोद विधानसभाना सर्वे मतदार भाईओ बहनोनी जीत छे आ, अने एमनो सर्वेनो हुं आभार मानुं छुं। भारतीय जनता पार्टीना संगठनना सर्वे कार्यकर्ता भाईओ बहनो जेमणे भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़वा माटे खूब ज जहमत करी छे, एमनी आ जीत छे। अने हुं वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी जी साथे ज आपणा गृहमंत्री श्री अमित भाई शाहजी अने अपना राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष एवं श्री जेपी नड्डा जी तथा गुजरात प्रदेश ना प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री सी आर पाटिल जी अने नर्मदा जिल्ला ना यशस्वी अने आदरणीय अध्यक्ष एवं घनश्याम भाई पटेल जी ने हूँ खूब खूब आभार मानु छू। अने आ जीत ए अमारा जिल्ला ना प्रमुख एवं अमारा आदरणीय घनश्याम भाई पटेल जी नी जीत छे, एमणे जे अमने मार्गदर्शन आप्युं, एमणे जे नानामां नाना कार्यकर्ताओं ने केवी रीतना काममां जोतरवा अने केवी रीतना प्रजा सुधी वात लईने जवुं ए माटेनुं जे सतत मार्गदर्शन आपता रह्या, रात दिवस जोया वगर एमणे जे मेहनत करी छे ए भारतीय जनता पार्टीनी आ जीत घनश्यामभाई पटेलजीने आभारी छे। अने हूँ आ सर्वे लोकोनो हूँ दिलथी आभार मानुं छुं अने मने नर्मदा जिल्लाना नांदोद विधानसभाना अमारी जन्मभूमि छे, मारी कर्मभूमि बनी छे, ત્યારે મને કામ કરવાનો જે મોકો મળ્યો છે એ માટે હું મારી જાતને ખૂબ જ ગૌરવાન્વિત માની રહી છું। અગાઉ પણ આપને મેં જણાવ્યું હતું કે નાંદોદ વિધાનસભા જેટલું નહીં પરંતુ નર્મદા જિલ્લાની બંને વિધાનસભામાં આવતા જે પણ કોઈ નાના મોટા પ્રશ્નો છે, વિકાસના કામો છે, એના માટે અમે હંમેશા અગ્રેસર રહીશું અને જેવી સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં અમે સૌથી વધારે અમારું લક્ષ્ય એ જ રહેશે।